गुण संपन्न बहू वो होती है जो खाने को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब घर में बच्चे दूध तो पीते नहीं, लेकिन इस गर्मी आप उनके दूध की ड्रिंक को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं रोज सिरप के साथ, ये भी आपको बताएंगे। वैसे हमारी सर्वगुण संपन्न बहू भी एक्चुअली में एकदम फुल ऑन गुणों से भरी हुई है, तभी तो घर के साथ साथ अपने हाथ पैर भी चला रही हैं गुंडों पर। जानवी बहू को ऐसे ही थोड़े सर्वगुण संपन्न बहू कहा जाता है। ये बहू किचन के काम से लेकर बिजनेस के काम तक, परिवार के प्यार से दुश्मन के वार तक हर काम में अव्वल आती है। और यकीन मानिए, इसके लिए उसकी सूझबूझ सबसे ज्यादा मायने रखती है। जितना भी कसर बाकी रह गई थी ना अब तक इतने सालों की, सारी अभी पूरी हो रही है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज बहुत मज़ा आ रहा है। ऑफकोर्स इट्स वेरी चैलेंजिंग, रैली स्प्रे से भरी पड़ी हूँ मैं इस वक्त, बट इट्स फन कैसे सब मजाक मस्ती के साथ साथ इतना सीरियस सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। ऑडियंसेस विल लव इट, बहुत मजा आएगा सबको देख के। आज जानवी अपने दुश्मन की छुट्टी कर देगी। अब इन दिनों सीरियल में जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई है जो देहरादून पहुंचा था और जानवी के बारे में उसने सारी जानकारी हासिल कर ली और उसके बाद उसने ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया। अब मित्तल परिवार से वो बदला लेने आई है, इस बात का पता ब्लैकमेलर को चल गया है। एक बंदा था तब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो आज फाइनली उसके साथ मेरा फेस ऑफ हो रहा है और बहुत धमाकेदार फेस ऑफ हो रहा है। आई थिंक जैसे सर्वगुण संपन्न उसको कहा गया है, जैसे घर में वो परफेक्ट है, वैसे वो जिस एजेंडा के साथ, उसका लाइफ का मोटिव है रिवेंज लेना अपने पापा की डेथ का और अपनी बहन के लिए, एंड व्हाट्स एवर हार्डशिप्स उसने देखे हैं बिकॉज ऑफ मित्तल परिवार। अब जानवी और ब्लैकमेलर की ये मुलाकात सच में देखने लायक थी, जहाँ पर ये सर्वगुण संपन्न बहू बिल्कुल भी नहीं डरी, डटकर दुश्मन का सामना किया और उसकी छुट्टी कर दी। अब श्रेणु जरा ये तो बताइए कि आपने जो स्टंट किया है उस स्टंट को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? समथिंग इन बिटवीन भरतनाट्यम एंड कराटे, ऐसा कुछ तो सीखा है मैंने आज। तो मैं करने जा रही थी कराटे का पोज, पर ऐसा लग रहा था कथकली। तो एक्शन मास्टर जी कहते हैं कि बेटा कथकली नहीं करना है, तुम्हें कराटे का पोज करना है। अब सर्वगुण संपन्न बहू हाथापाई खत्म कर जब घर की ओर रवाना होगी, उस वक्त क्या होगा? अब आप सबको क्या लगता है कि जानवी के बारे में सबको पता चल जाएगा क्या? वो अपने आप को तैयार करके आई है, तो ये सब तो छुटपुट है, कुछ नहीं उसके लिए। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द शेड जानवी का, कि शी इज सेल्फ इक्विप्ड, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब पता चल भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुरानी जानती है कि किस पर कैसे काबू पाना है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।